So welcome guys, welcome to my channel Yoga with Dr. Rajan and welcome to my Facebook page Nirame Yoga Studio. आप मुझे Facebook profile में भी follow कर सकते हैं, राजन चौधरी के नाम से profile. So दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से बहुत effective video लेके आया हूँ. जैसे कि मैंने पीछे weight loss के लिए 3 parts बना चुका हूँ, आज ये 4th part है. तो दोस्तों, आज 4th part में बिल्कुल nominal और simple workout बताऊंगा, yoga आसन बताऊंगा, जिससे आपका weight easily कम हो सके. जो लेजी पीपल्स हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, बैठ बैठ के वेट कम हो जाए उनका, तो उनके लिए आज एक मैं योगा की ही एक टाइप बताऊंगा जिसको प्राणायाम कहते हैं. और ये मेरे 3 parts आप देखिए, उसमें क्या क्या योगा करने चाहिए. सीक्वेंस वाइज मैंने आपको बताया, आप मेरे पिछली वीडियोस देख सकते हैं, part 1, part 2, part 3. आज मैं part 4 बना रहा हूँ और सिंपल प्राणायाम टेक्निक बताएंगे इसमें, और कैसे प्राणायाम करते हैं, और सिंपल एक दो आसन बताएंगे सिटिंग पोजीशन में. तो जल्दी से लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं वेट लॉस के लिए. सो दोस्तों, वेट लॉस के लिए ये मेरा 4th part है. तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वेट लॉस करने के और ज्यादा सिंपल और पिछली वीडियो से और बेटर टेक्निक्स बताऊंगा कि वेट कैसे लॉस किया जाए. सो दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरा मिशन ये है कि मैं सबके सब लोगों के माइंड में थॉट इम्प्लांट कर दूँ कि एक्सरसाइज के बिना कुछ नहीं है, विदाउट एक्सरसाइज इसको बेसिक नेसेसिटी समझ के, और आपके माइंड में ये थॉट इम्प्लांट हो जाए कि एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर बंदे को इस दुनिया में, इस अर्थ में जो है, उसको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, नहीं तो उसके फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की धजी उड़ने वाली है. सो दोस्तों, यही मेरा मिशन है और मुझे, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग एक्सरसाइज करें बिना एक्सरसाइज. जैसे खाना पीना, हम रोटी खाते हैं, भूख लगती है, जो भी बायोलॉजिकल नीड्स हैं हमारी, इसको भी ऐड हो जाए एज ए बायोलॉजिकल नीड. वैसे तो एक्सरसाइज भी हमें बायोलॉजिकल नीड होनी चाहिए हमारी, तो अगर नहीं है तो मैं आप सबको ये बायोलॉजिकल नीड आपकी बना दूंगा. तो यही मेरा मिशन है. सो दोस्तों, तो जब आपके माइंड में ये जब बात बैठ जाएगी कि एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप डेली एक्सरसाइज करेंगे, कुछ भी हो एक्सरसाइज करके ही हर कहीं जाएंगे, तो आपका वेट लॉस करना चुटकियों का काम है. सो दोस्तों, बहुत जल्दी आपका वेट लॉस हो जाएगा, हर चीज़ मेंटेन रहेगी और हर डिसीजन बढ़िया से रहेंगे, रिलेशनशिप बढ़िया रहेगा, हर चीज़ बढ़िया रहेगी. सो दोस्तों, लेट्स गो, और जल्दी से स्टार्ट करते हैं 4th part, नव आसन. सो दोस्तों, नव आसन करेंगे हम, बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे. और जैसे कि आप मेरी पिछली वीडियोस देख के उसके बाद इसको देखिए, 4th वीडियो को, तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या करना है सीक्वेंस वाइज. जब आप सीक्वेंस वाइज करेंगे तो उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेटर निकलते हैं. तो दोस्तों, ये नव आसन है, ये भी बहुत इफेक्टिव है फैट लॉस, बेली फैट कम करने के लिए, थाइस के फैट कम करने के लिए, जिन लोगों के थाई में फैट है, बहुत इफेक्टिव वीडियो और बहुत इजी है, बिगनर्स भी कर सकते हैं इसको. नाव की तरह बोट पोज भी बोला जाता है. सो दोनों लेग्स को सीधे करके, हैंड्स को सामने, सो दिस इज द बोट पोज. इसको आप डेली कीजिए और कम से कम 10 सेकंड तक होल्ड रखिए. और इसके बाद नेक्स्ट मैं अब आपको बताऊंगा कि आपने एक ये पोज करना है, बोट पोज. उसके बाद सिंपल जो है प्राणायाम करना है. सो दोस्तों, प्राणायाम सबसे पहले कपालभाति, उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम, और उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम. सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम. सो दोस्तों, इसमें जो है ब्रेथ का बड़ा रोल होता है, ब्रेथ का ध्यान रखना है, और कपालभाति में, और सिंपल करना है, जोर नहीं लगाना है. बहुत इफेक्टिव टेक्निक, आप चाहे 2 मिनट करिए डेली और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आए. डेली करना पड़ेगा आपको, सिंपल ऐसे बैठ के ब्रेथ को बाहर निकालना है और बिल्कुल इजीली और बिल्कुल आराम से करना है. तो कम से कम 50 जो बिगनर्स हैं, 50 स्ट्रोक्स करें और धीरे धीरे बढ़ाएं. तो ये है दोस्तों एक कपालभाति. उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसको भी आप ब्रेथ को लेना है राइट साइड में या लेफ्ट साइड से, इनहेल करना है, उसके बाद एक्सहेल कर देना है.
एक नॉस्ट्रल से लेंगे, दूसरे से एक्सहेल कर देंगे और फिर दूसरी नॉस्ट्रल से लेंगे और पहली वाले से एक्सहेल कर देंगे। सो ये आपको डेली करना है और ये भी आप कम से कम 2 मिनट तक करिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएंगे इसके। तो देखिए इसकी टेक्निक है, थंब के साथ आप एक नॉस्ट्रल को बंद कर लेंगे, बिल्कुल इजी करना है, एक नॉस्ट्रल से इनहेल करना है, दूसरी नॉस्ट्रल से एक्सहेल कर देना है, देन फिर अगेन दूसरी वाली नॉस्ट्रल से एक्सहेल करना है और फर्स्ट वाली से एक्सहेल कर देना है। सो दोस्तों ब्रेथ को इनहेल एक्सहेल करना है और बड़ा इजीली जो है आपने ब्रेथ को अंदर लेना है और बाहर निकालना है। तो ये है टेक्निक अनुलोम। दोस्तों नेक्स्ट जो है भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, दोनों फिंगर से, इंडेक्स फिंगर से और रिंग फिंगर से अपनी आईज को बंद करेंगे और फर्स्ट वाली जो है इंडेक्स फिंगर इसको फोरहेड पे रख के और थंब जो है ईयर पे रख के और बंद करेंगे और एक ध्वनि की साउंड निकालेंगे, दैट इज भ्रामरी प्राणायाम। इसको भी 3 से 4 बार करेंगे और उसके बाद दोनों हाथों को अपने नीज के ऊपर रख के और ओम की ध्वनि निकालेंगे। सो गाइस एक्सरसाइज करते अब मेरी बेटी कायना भी उठ गई है और कायना भी मेरे साथ एक्सरसाइज करती है। तो ये था दोस्तों 3 सिंपल वर्कआउट और ये आपने करना है। सबसे पहले बोट पोज कीजिए और उसके बाद प्राणायाम कपालभाति अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, उसके बाद लास्ट में शवासन कीजिए। दैट इज वेरी इफेक्टिव फॉर आपके मसल को रिलैक्स करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके नहीं रखना, रिलैक्सेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो डेड बॉडी में होती है और रिलैक्सेशन इज अ पार्ट ऑफ लाइव ह्यूमन बींग। तो सिंपल आपको लेट जाना है इसमें और लेट के आपको शव आसन करना है कम से कम 2 या 3 मिनट तक, ठीक है, जो कि सबको, बिगनर्स को और सबको बहुत ही प्रिय है, सबको बहुत अच्छा लगता है। इसमें सीधे लेट जाएंगे और लेटने में जो आपकी ये पाम्स हैं, हथेलियां हैं, उसको आसमान की तरफ रखिए। तो और सिंपल जो है इसको थॉट्स, इसमें थॉट्स आने दीजिए और थॉट्स जाने दीजिए और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट तक आप ये करिए और उसके बाद बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाएंगे। चलो तो ये था दोस्तों पार्ट 4। आपको डेली ऐसे करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ कीजिए, योगा कीजिए। ये था आज का वीडियो और आप अगर आपकी डिजीज कोई, आपको प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड, आपको अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। ये था दोस्तों आज का वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो 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 चलो।